हेलो माय मीना होम मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। तो आज हम चल रहे हैं ब्रेड का पकौड़ा बनाने। ये दूसरी तरह से दोस्तों हम ये नाश्ता बनाएंगे। ये हमारा एक चम्मच से ऊपर बेसन है, तो इसको हम इस कटोरी में डाल लेंगे। और हमारा मैदा है, इससे मैदा डालने से क्रिस्पी बनेगा, तो इसका हम घोल बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। और इसमें जो कटा हुआ ये प्याज है, ये प्याज को भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्चा डालेंगे फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे टीस्पून, और थोड़ा सा हम खड़ा जीरा डालेंगे, और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा हरा मिर्चा डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह बेटर बना लेंगे। तो देखिए हमारा बेटर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम रख दे रहे हैं साइड में। तो ये देखिए हमारा तीर आलू था उबला हुआ, हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसमें हम हरा मिर्चा कटा हुआ बारीक डाल देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम खड़ा जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्चा डालेंगे फ्लेवर के लिए, और स्वाद के अनुसार हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम हाथ से इसको मिला लेंगे। तो देखिए हमने अच्छी तरह गूंथ लिया है। अब थोड़ा सा हम हाथ में आयल लगा लिए हैं, और छोटी छोटी लोई उठाएंगे देखिए इसे, और लंबे आकार में इसको हम बना लेंगे इसे। बस इतने बड़े बड़े ऐसे सारे हम बना लेंगे। तो देखिए हमने सारा बना लिया है। अब इधर हम फिर दूसरा स्टेप शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ब्रेड है। अब ब्रेड को हम किनारे से, ये देखिए इतना ब्रेड है हमारा, अब इसको एक साइड से हम इधर रख देंगे। इसका किनारा जो है हम थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, ये देखिए ऐसे चारों तरफ। तो देखिए ऐसे हम सारा काट लेंगे इसी तरह। देखिए हमने सारा काट लिया है अच्छी तरह। अब इसको हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने एक ब्रेड को उठाया है, अब इसको हम ऐसे बेलन से थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरह हम सारे ऐसे बना लेंगे देखिए। तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं, देखिए कैसे इसको हम बेल दिए हैं। अब इसको हम बीच में ऐसे रख देंगे आलू का ये, और इसको ऐसे हम दबाते जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम चीज को यहाँ साइड में कर देंगे। तो देखिए हमने चीज को लगा दिया है। अब ऐसे हम इसको गुलियाते दबाते हुए हाथ से इसी तरह, ये देखिए कितना अच्छा। थोड़ा सा ये साइड में हम पानी लगा देंगे ताकि ये पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से ये बन गया। तो ऐसे हम सारे बना लेंगे इसी तरह। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा हमने रोल किया है। तो अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें और हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत अभी जो है झूर है। तो इतना हमें ढीला चाहिए ढीला। तो अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने गैस चला करके कढ़ाई को रख दिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे आयल। तो देखिए हमारा आयल गर्म हो चुका है। तो अब हम एक उठाएंगे देखिए, और इसको इसके बीच में हम ऐसे डीप करेंगे।
अब इसको हम उठा करके इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए इसी तरह हम सारा बना लेंगे। अब इसको हम अलग पलट के अच्छी तरह पका लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो चुका है कितना सुनहरा कलर। अब इसको एक हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो देखिए आप लोग हमने बना के सारा कंप्लीट कर दिया है। अब हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ब्रेड रोल नए तरीके से बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बनाया है दोस्तों हमने, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा। ये देखिए इसमें चीज़ भी पड़ी है, कितना देखने में यमी और खाने में कितना टेस्टी होगा। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार आप लोग, हमारा लाइक क्यों नहीं करते हैं, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं? आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग को हम खिला रहे हैं, खा लीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।